ये कैसा क्वेश्चन है साई भाई? सायोग भाई सीख गए तो कोई भी बच्चा सीख ही सकता अगर कोई बच्चा चाहे कोडिंग सीखने के लिए तो कैसे स्टार्ट करेगा? जैसे कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख सकता है, और कैसे इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ कुछ कोडिंग में इंटरेस्ट आएगा, कैसे? देखो, कोडिंग मतलब होता है कि मैंने मुझे जितना पता है कि कोडिंग मतलब होता है कि सिंपल लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? तो अगर कोई कोडिंग सीखना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि दो तरीके से किया जा सकता है कि अब दो तरीके से किया जा सकता है कि पहले कोई लैंग्वेज पकड़ लो, उसके फ्रेमवर्क से सीखो, एक ऐसा किया जा सकता है। या फिर दूसरा जैसा किया जा सकता है कि एक ऐप आता है फ्लोगारिदम, फ्लोगारिदम नाम का एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कर दो। वो कोई लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, वो सिर्फ आपको सिंपल कोडिंग के अलग अलग ऑपरेशंस और स्ट्रक्चर सिखाएगा। आप उससे अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो। अगर आप अपना लॉजिक डेवलप कर दिए तो आप उस लॉजिक को किसी भी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क में डाल के अपना काम निकलवा सकते हो। माने कि ऐसा देखो कि अगर तुम कर सको कि देखो, मैंने एक और चीज देखा है कि आपने तो कोड देखो, मेरा एक ऐप का नाम मैं बोल सकता हूँ, वो कंप्यूटर ऐप है। आप स्क्रैच नाम का एक ऐप डाउनलोड कर दो, वो एनिमेशन की तरह काम करेगा। उसमें एक कैट होगा, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। एक मिनट, आप पूछ ही ले रहे हो तो कंप्यूटर ओपन है, ये देखिए, इधर स्क्रैच नाम का एक है, इसको ओपन करते हैं, ठीक है? ये देखिए, इधर एक कैट है और इधर बहुत सारे ऑपरेशंस है। जैसे कि अब एक मिनट, फुल स्क्रीन ऐसा पकड़ लेता हूं तो हो जाएगा। अब अगर देखिए कि अगर मैं इधर मूव 10 स्टेप्स कर रहा हूं और मेरा स्प्राइट इधर है, अभी मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूं तो देखिए ये आगे थोड़ा मूव कर जाएगा। ऐसा ऐसा करते करते मूव हो रहा है, ठीक है? तो ये इधर बहुत सारे कमांड्स है, ऑपरेशंस है। आप इसको एक्सप्लोर कर करके खुद की तरह इस जो ये जो है, ये कैट है, इसको आप मूव करा सकते हैं। वाह, ये अच्छा एनिमेशन है, इंटरेस्टिंग लगता है कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। ये एक हुआ। और ये जो जितने भी कमांड्स है, ये होते हैं कोडिंग टूल्स। देखिए, आप उसको कमांड दे रहे हैं कि मूव 10 स्टेप फॉरवर्ड। अब आप चाहते हो कि वो 10 बार ऐसा करे, मूव 10 स्टेप फॉरवर्ड, तो क्या आप 10 बार कमांड लिखोगे? तो इधर आप लूप भी चला सकते हो, इधर आप इससे कुछ बुलवा भी सकते हो, प्लस माइनस बहुत सारे ऑपरेशंस करवा सकते हो इससे। तो मैं ये एक और सजेस्ट करूंगा कि अगर एकदम बिगिनर्स के लिए इंटरेस्ट ग्रो अप करना बहुत जरूरी है, तो मैं एक एल्गोरिथम सजेस्ट करूंगा। वो इसके तरह इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। मैं पहले बोलूंगा कि आप स्क्रैच से शुरुआत करो। स्क्रैच है, स्क्रैच से शुरुआत करो। इधर एनिमेशन है, बहुत सारे ऑपरेशंस है, आप खुद एक एक करके हर चीज को आजमा के देखो। अगर आपको गाइडेंस का जरूरत होता है तो ऑनलाइन गाइडेंस बहुत मिल जाएंगे, आप वो करो। उसके बाद आप फ्लोगोरिदम में जाओ। फ्लोगोरिदम में जाओगे तो आपको एक मिनट, फ्लोगोरिदम है इधर क्या, मेरा पता नहीं है। अरे ये जो फ्लोगोरिदम, यस ये है फ्लोगोरिदम। ये जो देखो एल्गोरिदम को आप इधर कर, मतलब कोई ऑपरेशन है, अगर प्रॉब्लम दिया गया है तो आप उसको फ्लो चार्ट के जरिए उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको सिर्फ बेसिक लॉजिक सिखाएगा। अगर आपने बेसिक लॉजिक सीख लिया तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इधर लिखा भी है,
वंस यू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लॉजिक, यही है कि इधर ये आपको फ्लोगोरिज्म जो है वो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक सिखाएगा एंड इट कैन इंटरैक्टिवली कन्वर्ट योर फ्लो चार्ट इंटू 18 लैंग्वेजेस, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, लुआ, पेरी, पाइथन, रूबी, स्विफ्ट, ब्लाबला। बहुत तो यही है। और अगर दूसरा बात, सॉरी सईद भाई पूछा है, बता दे रहा हूं जितना ज्ञान है। ये तो रहा कि कोई लैंग्वेज का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ना पकड़ के चलना हो, अगर लैंग्वेज का फ्रेमवर्क पकड़ के चलना हो आपको, तो मैं दो लैंग्वेजेस सजेस्ट करूंगा जो आप लोग पहले सीखे। पहला होगा जावा, नहीं तो सी प्लस सी, जावा नहीं तो सी। देखिए जावा और सी सीखना हार्ड है, लेकिन ये सब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है जावा और सी। अगर आप जावा और सी अच्छे से सीख लिए तो आप किसी भी और लैंग्वेज को इजीली पिकअप कर पाओ। अगर सबसे इजी लैंग्वेजेस का बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज में, सबसे इजी बोलूंगा मैं पाइथन है, क्योंकि वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। उधर आपको बैकग्राउंड में क्या चल रहा है जानने का भी जरूरत नहीं है, आपको एक इनबिल्ड लाइब्रेरी दे देगा, उधर बहुत सारे फंक्शन है, आप बस लिखोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन सी और जावा में आप बैकग्राउंड के चीजें भी सीखेंगे, वो ज्यादा ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसलिए उधर आप बहुत ज्यादा ही सीखेंगे, ये मेरा मानना है। अच्छा, बस यही था कहना। और इसी को सीखने के लिए कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट चाहिए और कोई भी ब्रांच बच्चे सीख सकते हैं? कोई भी बच्चा सीख सकता है, कोडिंग इज फॉर ऑल। कोडिंग अगर जिसको बेसिक मैथमेटिक्स और लॉजिक आता है, लॉजिकल रीजनिंग, वो कोई मैथ सीख सकता, कंप्यूटर सीख सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है साई भाई, सायोग भाई सीख गए तो कोई भी बच्चा सीख ही सकता है? ये बढ़िया था गुरु, बहुत अच्छा था। देखो सईद भाई भी अगर सीख सकते हैं लेकिन सीखना कंटिन्यू नहीं कर पाए तो कोई भी सीख सकता है। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया का क्या मतलब भाई, मुझे बायो से थोड़ा ज्यादा प्यार हो गया था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बायो की तरफ, इसीलिए तो बोले कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम कहां बोले कि आया नहीं इसीलिए छोड़ दिया। देखो भाई क्लास 11 12 और 10 9 10 के जावा का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ज्यादा फंक्शन सीखोगे बस यही। शायद भाई आने से ही लोग छोड़ते हैं, नहीं आने से कोई नहीं छोड़ता, बिकॉज अगर आपके पास प्रेशर नहीं आया तो आप। देखो प्रेशर का बात तो करो ही मत, बहुत ज्यादा ही प्रेशर है सुबह से। सॉरी भाई। बोलो सर।